हेलो बच्चों, वेलकम टू मोटिवेशन क्लासेस। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आप सबों के जो लेक्चर्स हैं वो वापस से शुरू कर दिए गए हैं और आप देख रहे हो हमारे पीछे यूनिट 4 जो कि हमारा एंड टॉपिक था लगभग। इस बार क्या किया जा रहा है, बच्चों के डिमांड के ऊपर हमने एके सिन्हा को फॉलो करना शुरू कर दिया है। वैसे भी कर रहे थे लेकिन अब फुल फ्लैश जो है एके सिन्हा के कॉन्टेंट आपको 100% मैच करेंगे और एक्स्ट्रा जो भी वो भी दिए जाएंगे। वैसे तो मैंने जो जहाँ तक देखा एके सिन्हा क्या है, सफिशियंट है। तो ये बुक है आपके पास डॉक्टर ए के सिन्हा का जो कि अप्लाइड मैथ्स 1 है जो कि आपको कॉलेज में भी प्रोवाइड किया जाता है, डिफरेंशियल है। और ये जो आपका टॉपिक है इसका इंट्रो दे रहा हूँ कि ये जो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस 1 है ये यूनिट 4 में, फिर यूनिट 5 शुरू हो जाएगा। तो आप जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि यूनिट 4 अब खत्म ही होने वाला है। 1 से 2 लेक्चर में क्या हो जाएगा, यूनिट 4 खत्म हो जाएगा और फिर यूनिट 5 शुरू हो जाएगा। तो अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है और अगर अभी आप पढ़ते हो तो क्या होगा, आप अभी के अभी डाउट पूछ पाओगे और आप साथ ही चल पाओगे हमारे। बाद में आप क्या करोगे, ब्रेक लेके पढ़ोगे, फिर उस टाइम आपको डाउट पूछने में भी दिक्कतें आएंगी और हमसे पीछे रहोगे। तो इस तरह से क्या होगा, लाइव इंटरेक्ट करोगे तो साथ साथ चलोगे तो चीज़ें बहुत ईजिली शॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं अभी के अभी डाउट्स ठीक हो जाएंगे। और बाद वाले बच्चों के लिए तो आपको पता है हर चीज़, जिसे बोलते हैं ना जो बाद में ट्राई करते हैं, जो बाद में पढ़ाई शुरू करते हैं उनको वही मिलता है या वही जो पहले वाले छोड़ रखे होते हैं। सक्सेस एक तरह से ये समझ लो, आपको वही खाना मिलता है, जैसे आप लेट आते हो तो आपको वही खाना मिलता है जो पहले वाले जो खाए उन्होंने छोड़ रखा है, तो वही खाना आपको मिलता है। इस टाइप से कॉन्सेप्ट है। आप मेन मोटिव क्या है कि आप साथ पढ़ो, साथ चीज़ों को पूछो और अपने डाउट्स को क्लियर करके आगे बढ़ो। आज का जो लेक्चर था इसमें मैंने ये सब आपको प्रूफ पूछा गया था, एकदम सिलेबस ओरिएंटेड है। हो सकता है कहीं पर प्रूफ कराया जाए, कहीं पे प्रूफ ना कराया जाए, लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है कि इस तरह से दिया हुआ है कि प्रूफ के साथ करना है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैंने भी वही किया है, जिन जिनको मैंने कट किया वो आज मैंने प्रूफ कर दिया। आप देख रहे हो कितना फास्ट सिलेबस कवर किया जा रहा है, इन चीज़ों को आज ही फिनिश कर दिया गया है। अब क्या है, इन 3 को मैं कल प्रूफ कराऊंगा और आपकी कुछ क्वेश्चंस करा के यूनिट 4 खत्म हो जाएंगे। तो कब तक पीछे रहोगे, ठीक है, ज्यादा पीछे नहीं रहने का। और भी आपके पास तो सिलेबस है ना पढ़ने को। उसके बाद आपको क्या करना, ये देखो प्रूफ कराया इस टाइप से मैंने, ईएक्स का प्रूफ कराया है, एएक्स का प्रूफ कराया है, लॉग का प्रूफ कराया है, लॉग ए का प्रूफ कराया है, टेन एक्स का प्रूफ कराया है, इस टाइप से। तो आप जल्दी से अपने कोर्सेज को शुरू कर दें। जो भी बच्चों ने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, जिन बच्चों ने नहीं परचेज किया है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या है कि आप, अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम खराब गया है तो उसमें आपकी गलती है क्योंकि आपने सही से जगह से पढ़ा नहीं या फिर चीज़ों को हल्के में ले या डिले कर दिया। तो आगे से डिले ना हो क्योंकि आगे तो और भी हार्ड आने वाला है। आपको पता है इस बार डिफरेंशियल कैलकुलस 1 आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस 2 आएगा, ठीक है, और जो भी कोऑर्डिनेट का पार्ट छूटा हुआ है जैसे सर्कल है या जो भी है वो आएंगे। तो इन 3 को सही से पढ़ने के लिए आप क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए मॉड्यूलेशन ऐप को। डाउनलोड कीजिए मॉड्यूलेशन 2.0 ऐप को और यहां से आप अप्लाइड मैथ्स, जो भी आपके फिजिक्स और जो भी केमिस्ट्री है इनके कोर्सेज को आप पढ़ना चालू कीजिए और फुल फ्लेश तैयारी करके सेमेस्टर को एकदम अच्छे से दीजिए। मैं तो बोलूंगा जल्दी से सिलेबस कवर कर लो, किसका वेट करते हो आप सब। और भी लाइफ में चीजें करने को यार, हमेशा पढ़ते थोड़ी रहना है, आप चीजों को खुद ही डिले करते हो। तो एक बार पढ़ के सिलेबस करके अच्छे से नोट्स बना लो और उसके बाद बहुत सारी काम है, ठीक है। मिलते हैं और सब नए बच्चे जुड़ते जाइए हमारे साथ। हमारा आपने परफॉर्मेंस देख ही लिया या जो भी हमारे कंटेंट थे उससे कितना 90% मैच हुआ है आपका, 90% मैच हो गया आपका सेमेस्टर एग्जाम में और आगे भी मैच करेगा क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं है। आपके जो मिड सेम एग्जाम हुए थे, ठीक है, तो डाउनलोड कीजिए हमारे कोर्स को परचेज कीजिए और हमारे साथ पढ़ाई करना शुरू कीजिए। यूनिट 4 बहुत जल्द खत्म होने वाला है तो आप डिले ना करें, यूनिट 5 शुरू करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।